पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का गोरखपुर कनेक्शन सामने आया तो पुलिस अलर्ट हो गई है। अंबाला में असलहों के साथ पकड़ा गया शार्प शूटर शशांक पांडे गोरखपुर के कैंट इलाके के सिंघड़िया आदर्श नगर का रहने वाला है। शशांक की कुंडली अब गोरखपुर पुलिस खंगाल रही है। पंजाब पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से शशांक की हर गतिविधियों की जानकारी मांगी है। फिलहाल गोरखपुर में उसके मकान पर 2 साल से तालाबंद है। कुछ साल पहले पिता की मौत के बाद उसकी मां गांव चली गई। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वराड गैंग को असलाह सप्लाई करने वाले शशांक का आना जाना यहां रहता था। मूसेवाला की हत्या के बाद 21 जून को शशांक ने गोरखपुर आकर दोस्तों के साथ पार्टी की थी। शशांक मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। शशांक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वराड गैंग के लिए काम करता था। जब गोरखपुर कनेक्शन सामने आया तो यहां की पुलिस उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई। पंजाब पुलिस ने भी गोरखपुर पुलिस से शशांक के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि अभी शशांक का यहां कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला है। वह मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। यहां नमकीन फैक्ट्री में उसका परिवार रहता था, लेकिन अब कोई यहां नहीं रहता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, ऐसा संज्ञान में आया है कि शशांक पांडे कुछ महीने पहले यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कहीं किसी पार्टी में सम्मिलित हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी पुख्ता तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन पुलिस इसी बात को संज्ञान में लेके जांच में जुटी है। लेकिन इसका यहाँ ना ही तो कोई रहने का ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे वो रहता है, ना ही इसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य अभी तक सामने आया है। लेकिन पुलिस चौकन्नी है, हर प्रकार के पहलू पर ध्यान रखते हुए जाँच करेंगे।